हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने बेटा क्लास फोर्थ का चैप्टर नंबर 5, मिस्टेकन आइडेंटिटी। तो बेटा इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं केशव शंकर पिल्लई के बारे में, जो कि एक इंडिया के बहुत फेमस कार्टूनिस्ट हैं। तो होता क्या है बेटा, किस कहानी को उनकी एक बायोग्राफी से लिया गया है, जिसमें उनके बारे में बताया गया है, बचपन के बारे में। एक बार क्या हुआ कि उनके जो कंपाउंड था, मतलब कि जो आप कह सकते हैं कंपाउंड का मतलब होता है बेटा कि आपका जो गार्डन टाइप का हुआ, उनके एक घर में गार्डन टाइप का था, तो वहाँ सांप आ गया था। और इस कहानी में आप पढ़ेंगे कैसे एक जो आपकी मधुमक्खी होती है उसको काटने से, और स्नैक बाइट मीन्स होता है बेटा सांप के काटा, तो कैसे उनका इलाज हुआ वो चीज़ पढ़ेंगे। वन डे वाइल प्लेइंग केशव सा स्मॉल स्नेक इन द कंपाउंड, मतलब एक बार खेलते हुए केशव को एक छोटा सा सांप दिखाई दिया जो उनके गार्डन में था। वो चिल्लाए और आराम से उसकी तरफ गए, देखा उसको प्यार से, उसको आराम से देखा, उसको देखा एक छोटा सा सांप है और वो एक कोकोनट की सेल, मतलब कि जो आपका ये कोकोनट होता है नारियल, ठीक है, हाँ पका हुआ नारियल, उसकी जो सेल होती है, मतलब कि उसका जो ऊपर का जो बकल टाइप का होता है उसके अंदर घुस गया वो। तो ये भाई साहब शांति से उसके पास गए और उसके पास जाकर इनने उसको एक पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया। किसका मुंह बंद कर दिया इनने? आपका जो नारियल है उसका। और उसको सेल को लेकर गए, दौड़ लगा कर अपनी दादी के पास गए और दादी से बोला, दादी देखो मैंने सांप पकड़ लिया। दादी बोली, हैं सांप? वो शौक हो गई, वो चिल्लाई है बचाओ। दादाजी आए दौड़ लगा कर, ठीक है, और दादाजी को बताया कि सबने कि उन्हें सांप पकड़ लिया है इसमें सेल में। उन्होंने सेल को खींचा, उसके हाथ से छीना और बाहर फेंक दिया। और भैया डर के मारे अब सांप की तो हालत पतली हो गई थी, ठीक है। सांप जल्दी से उस सेल में से निकल के और जो झाड़ियाँ थी उनके पीछे छुप गया जाके। बुशेस, बुशेस मीन्स होता है बेटा झाड़ियाँ, तो वो झाड़ियों में छुप जाता है। ग्रैंडफादर बोलते हैं केशव से कि वो जो झाड़ियाँ हैं उनके आसपास ना जाए क्योंकि वहाँ पर सांप है। कुछ समय बाद जो शाम को केशव खेल रहा था गार्डन में और वहाँ कोई एक मधुमक्खी थी, उसको वो पकड़ने की कोशिश कर रहा था, तो मधुमक्खी ने क्या कर दिया, उसके फिंगर पर स्टंग कर दिया। स्टंग मीन्स होता है बेटा उसने बाइट किया, काट लिया उसने, ठीक है। तो उसको बहुत तेज़ दर्द हुआ उसमें हाथ में और दौड़ लगा ग्रैंड मदर के पास गया और जाके बोला कि उसके हाथ में काट लिया है, ठीक है, और वो चाहता है कि जल्दी से ये मेरा दर्द ठीक हो जाए। ग्रैंड मदर ने सोचा कि इसको सांप ने काट लिया है, ने तुरंत ग्रैंड फादर को बुलाया और बोला जल्दी आओ देखो इसे। ग्रैंड फादर आए दौड़ लगा कर, ग्रैंड फादर ने देखा कि केशव की जो फिंगर है उस पर ब्लू मार्क था, ठीक है। बिना कुछ बोले उसने दादाजी ने बच्चे का हाथ पकड़ा और दौड़ लगाई और दौड़ लगाते गए लगाते गए लगाते गए और जब तक नहीं रुके जब तक वो एक स्मॉल हाउस के पास ना पहुंच गए। वहां पहुंचे हैं और पहुंचकर कुछ वहां पर उन्होंने आवाज़ लगाई, जो आदमी उस घर में रहता था उसको आवाज़ लगाने पर एक ओल्ड, मतलब कि बूढ़ा एक आदमी, उसके बाल ग्रे कलर के थे, वो वहाँ से बाहर आता है। वो क्या होता है कि वो स्नेक बाइट, जो स्नेक बाइट होता है मतलब सांप काटता है, तो उसकी दवाई करता है वो। तो ग्रैंडफादर उससे पूछते हैं, बोलते हैं कि वो केशव का इलाज कर दे। तो जो ओल्ड मैन होता है वो उन लोगों को अंदर ले आता है, कमरे के अंदर लेके जाता है। तो कमरे के अंदर लेके जाता है, पढ़ेंगे आगे आप। तो जैसे वो अंदर लेके जाता है उसकी फिंगर दिखता है और बोलता है कि तुम बैठ जाओ, उसको बैठा देता है और हिलने के लिए मना करता है, डोंट मूव, ठीक है। वो अपने ग्रैंड फादर की जो टैप होती है, लैप होती है, वहाँ जाकर बैठ जाता है, मतलब कि ग्रैंड फादर की गोदी में जाकर बैठ जाता है बच्चा, ठीक है। तो फिर होता क्या है, जो ओल्ड मैन होता है वो कुछ पानी देता है जो एक ब्रास वेसल में रखा रहता है, मतलब ब्रास का तांबे का बर्तन होता है उसमें रखा होता है। और वो क्या करता है, क्या है, उसके सामने बैठ जाता है और जो कुछ ब्रशेस होते हैं वो हिलाने लगता है वो। और जो केशव होता है वो बताना चाहता है कि ये मुझे सांप ने नहीं काटा है, मुझे मधुमक्खी ने काटा है, लेकिन ग्रैंडफादर बोलते हैं तुम शांत बैठे रहो, उसको टाइट पकड़े होते हैं, उसको कुछ नहीं बोलने देते हैं उसको, और शांति से उसको बैठाए रखते हैं। वो बोलते हैं कुछ मत बोलो, मुझे कुछ नहीं सुनना,
फिर उसके बाद कुछ उसकी ग्रैंड मदर आ जाती हैं और वो कुछ लोगों को अपने साथ लेकर आई होती हैं, और वो लोग उसको देखते हैं, बहुत दुखी तरीके से देखते हैं और आसपास आके खड़े हो जाते हैं शांति से, और के सबको वो ध्यान से देख रहे होते हैं। कुछ टाइम बाद होता क्या है, उसका जो फिंगर में जो पेन हो रहा होता, दर्द हो रहा होता है, वो रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि दर्द तो ठीक हो गया उसका। स्टिल ही है टू सिट देयर टू गेट केयर ऑफ द स्नेक बाइट, लेकिन उसको वहाँ पर बैठा रहना पड़ता है, क्यों, दवाई कराने के लिए, क्योंकि उसको सांप ने जो काट रखा है। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि ओल्ड मैन खड़ा होता है, कहता है, उसका हाथ धोता है और बोलता है कि पानी पियो, पानी पिला देता है, फिर बोलता है कि शांत बैठे रहो, कुछ मत बोलो। देन ही टर्न टू ग्रैंड फादर एंड सेड, वो ग्रैंड फादर के पास जाता है और बोलता है, थैंक गॉड यू ब्रेट हिम इन टाइम, मतलब तुम इसको टाइम पर ले आए, बहुत अच्छा किया आपने इसको, ही इज़ आउट ऑफ डेंजर नाउ, मतलब कि इसको अब कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अब इसको आप टाइम पर ले आए, इसको कोई दिक्कत नहीं होगी, और इसको जो सांप ने काटा है, बहुत जहरीले सांप ने काटा था, इसको ज़रूरत थी हमारी, तो वो चीज़ पूरी हो गई है। जो ग्रैंड फादर है, ग्रैंड मदर है, वो सारे लोग उसको ओल्ड मैन को थैंक कहते हैं, उसने बहुत ज़्यादा अच्छा इलाज कर दिया। और घर पहुँच कर जो ग्रैंड फादर होते हैं, वो उनको कुछ गिफ्ट वगैरह भेज देते हैं। तो बेटा ये थी आपकी कहानी आज की, चैप्टर नंबर 5। इसके हम क्वेश्चन आंसर बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन आंसर बढ़ने से पहले वोकैबुलरी कराते हैं आपको। कार्टूनिस्ट माने होता है बेटा कि वन हु ड्रॉ कार्टून, मतलब जो कार्टून बनाता है उसे हम कार्टूनिस्ट कहते हैं। कंपाउंड मीन्स होता है बेटा ए लार्ज ओपन एरिया एनक्लोज बाई फैन, मतलब जो फैंस से इनक्लोज होता है उसको गार्डन टाइप कह सकते हैं। इन अलाराम मतलब कि स्केयर्ड। स्टंग मीन्स होता है हर्ट और बिटन बाई इंसेक्ट और स्नैक, मतलब स्नैक या इंसेक्ट काटते हैं उसे स्टंग कहते हैं, बाइट नहीं कहते हैं। पैडी फील्ड मीन्स होता है फील्ड बेयर राइस इज ग्रोन, पैडी फील्ड मतलब कि ऐसे खेत जहाँ पर राइस होती है, मतलब कि चावल होते हैं। केयर मीन्स होता है ट्रीटमेंट या डिसीज, किसी भी डिसीज का ट्रीटमेंट हो उसे केयर कहते हैं, ठीक है। ऐसी आपकी लास्ट मीनिंग है रैकेटिंग, मतलब कि रिपीटिंग अलाउड फ्रॉम मेमोरी इन द फ्रंट ऑफ ऑडियंस, मतलब जैसे मैं आपको कोई कहानी सुना रहा हूँ उसको आप रेस्टिकेटिंग कह सकते हैं। ठीक द करेक्ट ऑप्शन, केशव शंकर पिल्लई वॉज इंडियाज मोस्ट फेमस, मतलब कौन थे वो, जो केशव शंकर पिल्लई थे वो इंडिया की फेमस क्या थे, कार्टूनिस्ट थे, साइंटिस्ट थे या जर्नलिस्ट थे, तो आपको पता चल गया है कि वो कौन थे। आगे पढ़ेंगे हम इसी चैप्टर के बारे में, कुछ क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करेंगे। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, बेटा ये आप पढ़ लेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चीज़ है, उसको हाथ में काटा था तो उसको कैसा मतलब कि वहाँ पर हो गया था, जो ग्रे हेयर जो मैन आदमी जो आदमी था बाबा थे, उन्होंने क्या समझा कि किसने काटा, इसको डॉग ने काटा है, स्नेक ने काटा है, इंसेक्ट ने काटा है, तो पता है कि उनने तो स्नेक की दवाई की थी, और जबकि ये सबको एक बी ने काट रखा था। तो ये तीसरे वाले का आंसर है। हु वाज केशव शंकर पिल्लई, शंकर जो केशव शंकर पिल्लई थे वो कौन थे। वेयर डिड केशव फाइंड द स्नेक, मतलब कि केशव को सांप कहाँ मिला और उसने उसके साथ क्या किया। व्हाट डिड ग्रैंडफादर डू व्हेन ही केम टू नो अबाउट द स्नेक, जब उनको सांप के बारे में पता चला तो ग्रैंडफादर ने क्या किया। हाउ डिड केशव गेट अ ब्लू मार्क ऑन हिज फिंगर, मतलब कि उसके फिंगर पर ब्लू मार्क कैसे हो गया केशव के फिंगर पर। व्हाई डिड ग्रैंडफादर टेक केशव टू द ओल्ड मैन, ओल्ड मैन के पास केशव के ग्रैंडफादर क्यों लेके गए थे। अगर बेटा चैप्टर समझ में आया तो आप चैप्टर को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके क्वेश्चन आंसर की आप एक PDF फाइल बना के आप हमें व्हाट्सएप पर सेंड करिएगा, इसकी आंसर शीट की हम नेक्स्ट वीडियो आपको डाल देंगे। थैंक यू।